अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम जो है, ये आज हमारा सेकंड सेशन है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजिंग एजाइल स्क्रम का। और आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लास्ट सेशन के अंदर कर चुके हैं। ग्रुप के अंदर उसकी तमाम की तमाम वीडियोज मौजूद है, लिंक मौजूद है, जिसके थ्रू आप थ्योरेटिकल सारे के सारे एस्पेक्ट्स देख सकते हो। आज हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैं आपके साथ तीन किस्म के डिफरेंट टूल्स, मतलब एक किस्म है टूल्स तो बहुत सारे यूज करते हैं, लेकिन तीन बेसिक कैटेगरीज है जो कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए यूज करते हैं। और मैं एक प्रैक्टिकल कपल ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल लेते हुए आपको समझाऊंगा कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग किस तरह से होती है और हम उसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का स्टेप होता है वो होता है कि हमारी क्लाइंट से मीटिंग होती है। अच्छा, क्लाइंट से मीटिंग से मुराद ये है कि हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्लाइंट है, वो कहता है कि मुझे एक एक्स चीज़ बिल्ड करवानी है, तो हम क्या करते हैं, उनसे एक मीटिंग करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक क्लाइंट है, इसके साथ हमारी जो मीटिंग हुई, एक जूम की मीटिंग हुई, बस हम मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हाई लेवल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक ईमेल की सूरत में हम भेजते हैं उनको। वो होता है उसके अंदर ये कि हम कवर करते हैं कि ये स्पेसिफिक हमें जो हमारी मीटिंग है उससे अंडरस्टैंडिंग ये आई है कि तीन आपकी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स के लिए अंदाजा हमें इतना ड्यूरेशन लगेगा और इतनी कॉस्ट लगेगी। वंस क्लाइंट वो अग्री करता है और हाई लेवल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट एंड टाइमलाइन पर, फिर हम जाते हैं डिटेल रिक्वायरमेंट पर। तो वंस हमने ये चीज़ कर ली, हम डिटेल रिक्वायरमेंट पे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल रिक्वायरमेंट किस तरह से हमारे पास होती है। तो फॉर एग्जांपल, ये एक स्पेसिफिक डिटेल रिक्वायरमेंट है उसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। पहले तो हमने चार पांच पॉइंट में उसको समराइज किया, टाइम एंड कॉस्ट को लॉक किया, वंस वो हो गया तो उसके बाद हमने उसको बताया अब डिटेल के, भाई एक्चुअली क्लाइंट चाह क्या रहा है, ईलर्निंग क्या होती है, कॉन्टेंट किस तरह से बिल्ड करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर कवर कर दी है, क्या क्या चीज़ हम कवर कर रहे होंगे, किस तरह से उसके अंदर आ रहा होगा। तो ये प्राइमरली डिटेल रिक्वायरमेंट हो गई। तो हाई लेवल रिक्वायरमेंट चली गई एज एन ईमेल, बस हाई लेवल रिक्वायरमेंट चली गई तो हमने डिटेल रिक्वायरमेंट ले ली। बस डिटेल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई तो हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है वो प्रपोजल का होता है। प्रपोजल का स्टेप ये होता है कि हम सिंपली जो रिक्वायरमेंट होती है वही इस प्रपोजल के डॉक्यूमेंट में एम्बेड करते हैं, और उसके अंदर जो दो एडिशनल चीज़ें होती है वो होती है एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड कॉस्ट, कि भाई ये इस स्पेसिफिक डिटेल रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये एक्स टाइमलाइन लगेगी, मतलब 3 हफ्ते लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, और ये हमारी कॉस्ट होगी उस स्पेसिफिक चीज़ को बिल्ड करने के लिए। तो वंस हमने तीन स्टेप्स कर लिए, हाई लेवल रिक्वायरमेंट, डिटेल रिक्वायरमेंट और प्रपोजल, अब हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट प्लान के लिए हम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो स्मार्ट शीट को यूज़ करते हैं। अच्छा, स्मार्ट शीट क्यों यूज़ करते हैं, प्राइमरीली ये एजाइल का पार्ट नहीं है, लेकिन स्मार्ट शीट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को हमारे ना स्प्रिंट से कोई ताल्लुक होता है ना एजाइल स्क्रम से ताल्लुक होता है, क्लाइंट को ये ताल्लुक होता है कि कौन सा फीचर मुझे कब मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं। आप देखो ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्लान है जो कि स्टार्ट हुआ June 1st को, ठीक है, और ये जो कि ख़त्म होना है April 15, 2021 में। ये टोटल 229 दिन का प्रोजेक्ट है। हमने क्लाइंट को बता दिया कि ये इन इन दिनों में आपको ये चीज़ें डिलीवर होती जाएगी, और अगर आप आगे देखोगे यहाँ पर आपके पास गैंट चार्ट भी आ रहा है। इससे होता यह है कि क्लाइंट से हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है कि अगर उसको इस दिनों में ये चीज़ें मिल जाए तो वो ओके है। वंस ये प्रोजेक्ट प्लान हमारे पास अप्रूव होकर क्लाइंट से आ जाता है तो फिर हम उसका स्प्रिंट्स पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो हमारे डेवलपमेंट स्टाफ होता है उसको Sprint 1, Sprint 2 और उसके अंदर यूजर स्टोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। यूजर स्टोरीज बिल्कुल बेसिक होती है कि उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और उसकी बेसिस पर यूजर स्टोरीज में मजीद चीज़ हम ऐड करते रहते हैं कि उसके इमेजेस ऐड कर दिए, वायर फ्रेम्स ऐड कर दिए, और तमाम चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप देखोगे मैंने आपसे एक चीज़ शेयर की थी, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमारी करस्पॉन्डेंस हुई है या डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे हम एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सारी रिक्वायरमेंट एक जगह होती है, तो ईमेल से लेकर हाई लेवल रिक्वायरमेंट से लेकर डिटेल रिक्वायरमेंट, प्रपोजल, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एक फोल्डर में पड़ी होती है। वंस हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं तो वो फाइनल स्टेप आता है। और अच्छा, ये काम हम जो है एक और जगह भी करते हैं, हम जैसे आप ये देखो ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने गूगल ड्राइव को यूज़ किया हुआ जिसको हम कर सकते हैं। तो प्राइमरली इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर हमने ये देखा प्रैक्टिकली हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को लॉक करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ना है तो आप ग्रुप में जाकर पूरे लेसन देख सकते हो, और ये हमने प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर देखा कि हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को किस तरह से रिक्वायरमेंट को लॉक करते हैं। थैंक यू सो मच।
बंद करते हैं।